हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी। तो ये देखिए दोस्तों, मम्मी जी सारी तैयारियां करके रख दिए हैं। तो ये इसमें सारा सामान रख दिए हैं, जो लाई वगैरह बनता है, तिल का जो लड्डू बनता है, सब्जी वगैरह जो भी इसमें रखाता है सारा सामान रख दिए हैं। हल्दी, नमक, अदरक, मतलब जो भी सारा सामान रखाता है सारा, देखिए सब सब्जी वगैरह सब धो के मम्मी जी रखी थी, सारा सामान रख दिए। ये नहाने से पहले सारा काम करके फिर नहाने जाते हैं। तो ये सारा काम हो चुका है, तब मैं जा रही हूँ नहाने। और जो ये मटकी वाला है तो ये मम्मी पापा छुएंगे, और जो दो मटकी बचेगा तो एक मटकी वाला मम्मी जी छुएंगे अपनी सास के लिए, एक मटकी वाला पापा जी छुएंगे दादा ससुर जी के लिए। तो फिर ये देखिए, ये लोग मतलब मम्मी जी पापा जी सिख हो चुके हैं, इसलिए ये लोग मटकी में छुएंगे। हम लोग सिख नहीं हुए हैं तो हम लोग प्लेट में या किसी थाली में लेके छुएंगे। तो मैं चली गई थी फिर नहाने। नहाने के बाद फिर मैं साड़ी पहनी फटाफट से, और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी सुबह सुबह। दो तीन दिन से धूप भी नहीं निकल रही है। तो डुगू कह रहा है मम्मी ये क्या कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ बेटा सिंदूर लगा रही हूँ। तो मैं जैसे ही कंघा करके सिंदूर लगाने जा रही थी तो मम्मी जी बोली सिनोरा में से आज सिंदूर लगा रहा है। तो मैं को बोली ठीक है मम्मी जी लगा लेंगे। तो फिर मैं सिनोरा लेके आई तो फटाफट सिंदूर लगा रही थी। तो डुगू कह रहा था मम्मी मेरे को भी लगा दो। तो मैं बोली ठीक है बेटा अभी लगा दूँगी, दो मिनट शांत रहो। तो फिर कह रहा मम्मी आज आप बहुत सुंदर लगे। मैं ये क्यों सुंदर लगे? तो कह रही मम्मी आज आप साड़ी पहनी हो ना इसलिए सुंदर लग रही हो, आप साड़ी ही पहना करो। तो मैं बोली ठीक है बेटा साड़ी ही पहनूंगी। तो आज मेरी तारीफ़ कर रहा था, छोटे से बच्चे को भी पता है किस पे क्या अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट सिंदूर वगैरह लगा के फिर मैं महावर लगाने लगी। तो मम्मी जी बोली थी आज पूरा श्रृंगार करिएगा करना। तो मैं बोली ठीक है मम्मी जी, तो आज मैं पूरा श्रृंगार करी हूँ। और पहले मैं मम्मी जी का महावर लगा दी थी या नेल पेंट वगैरह। तो लगाने के बाद फिर मैं आके अपना लगाने लगी। तो फिर लगाने के बाद फिर मैं फटाफट जाऊँगी छूने। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में। आज मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था, तो इसी वजह से मैं सुबह ही उठ के सारा काम कम्प्लीट कर दी थी। और ये सारा जो छूने वाला सामान है ये मम्मी जी सारा करी थी। घर में पहले बड़े लोग ही ये सामान छुएंगे। तो मम्मी जी पापा जी पहले ही नहा चुके थे, तो मम्मी जी पापा जी छू चुके हैं। अब हम लोग नहा धो के छुएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ छूने। तो मेरा महावर लग चुका है। तो मम्मी जी सारा सामान निकाल के रख दिए। तो बोलिए फटाफट छू लो। तो मैं बोली ठीक है मम्मी जी। तो ये मम्मी जी देखिए पापा जी दोनों जने छू के रख दिए हैं। तो अब ये मेरा सामान है तो मैं छू रही हूँ और भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुआ हो तो खिचड़ी देवता जी मेरे को क्षमा कर दीजिएगा छोटी समझ के। तो देखिए ये करने छूने के बाद फिर मैं जाऊंगी पूजा घर में। तो पूजा करूंगी या पूजा करने के बाद फिर सूरज भगवान जी को जल गिराने जाऊंगी। और फिर एक बाहर मंदिर है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा रखी हूँ कि बाहर भी एक छोटी सी मंदिर है। तो बाहर जाऊँगी पूजा करने। तो आज इतना भीड़ है मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सोची थी कि जल्दी सुबह उठ के फटाफट कर लूँगी। तो कितनी भी जल्दी उठो फिर भी जिस दिन त्यौहार रहता है तो उस दिन तो मंदिर में तो भीड़ रहता ही है। तो फिर खाली होने का वेट किया गया तो फिर थोड़ी देर बाद मंदिर खाली हुआ। तो फिर मैं बाहर भी गई थी पूजा करने। फिर पूजा करके आई तो फिर सबका पैर छुई, जो मेरे से बड़े हैं जैसे डुगू के पापा का छुई, मम्मी जी पापा जी इन सबका आशीर्वाद ली। तो आशीर्वाद लेने के बाद मैं फिर फटाफट पानी गर्म करने के लिए रख दी थी और एक तरफ चाय बैठा दी थी। और डुगू नहाया नहीं था तो मम्मी जी बोली थी डुगू को नहला दो, सभी लोग नहा चुके हैं तो ये क्यों बाकी रहे। तो मैं फिर एक तरफ चाय और पानी गर्म करने के लिए रख दी थी तो मेरा बन रहा था। तो जब तक मैंने डुगू को नहला दी थी गर्म पानी से, पाँच बार बाबू चलो चलो जय माता चार एक बार और बाबू खुश रहो आराम से। बाबा किधर है? बर्थडे हमारे बाबू खूब बर्थडे के हुए। मम्मी का छुआ खुश रहो। अच्छा अभी जूता निकाल देंगे। अब
पहले पैर छू लो बाबा, इधर आइए ना। उसे खाने के लिए लगा है, वो खाएगा। अच्छा भाई, उधर निकी निकी लगी पैंट तो पहनी नहीं जाए। छुआ सबका आशीर्वाद ले चुका था, तो डुगू अपने पापा का आशीर्वाद नहीं लिया था, कह रहा था मम्मी चलो पापा का भी आशीर्वाद लूंगा, तो मैं बोली चलो। तो सबका आशीर्वाद लेने के बाद फिर बोल रहा है डुगू, मेरे डुगू कह रहा है मम्मी अब मेरे को लड्डू दे दो खाने के लिए, सफ़ेद वाला, मतलब वो तिल का लड्डू को सफ़ेद वाला लड्डू कहता है। तो फिर उसे लड्डू दी और उसके साथ साथ मैं सबको लड्डू दी, तिल का लड्डू दी और धोदा दी, जिसे लाई कहते हैं। तो वो सब कोई खा चुके थे। खाने के बाद फिर चाय वगैरह जो बना था, फिर सबको नाश्ता दी। नाश्ता देने के बाद सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम से चले गए थे। अब मैं बनाने लगी थी खिचड़ी, जैसे कि आज खिचड़ी का त्यौहार है तो हमारे घर खिचड़ी बनना ज़रूरी होता है। तो हम लोग फिर मम्मी जी बोले थे खिचड़ी और मसाले वाली सब्जी बना देना, आलू गोभी मटर की सब्जी। तो एक तरफ मैंने आलू गोभी की सब्जी छौंक दी थी बनने के लिए और एक तरफ मैं खिचड़ी बना रही थी। तो देखिए मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। पता नहीं कैमरे में वाइट वाइट क्यों दिख रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था खिचड़ी। तो त्यौहार के दिन तो ये चीज़ें अच्छी बनती है। और जो हम सभी लोग जो छू के रखे हैं सामान, तो बाबा लोग आएंगे, पंडित लोग, तो उन्हें दे दिया जाएगा सामान ये सारा। और फिर ये सारा काम करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी कपड़े डालने, तो ये देखिए डुगू यहाँ खेल रहा था बहुत मनाने के बाद, ये पैंट पहना है, तो बने रहिए। तो फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ गाँव में खिचड़ी कैसे मनाई जाती है, मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, तो आप सभी पूरा ब्लॉग देखिएगा, तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। और अपना प्यार आशीर्वाद में बनाए रखिएगा। और हम लोग कैसे कैसे बनाए मैं पूरा रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप सभी देखे ही होंगे। और मकर संक्रांति के दिन कितने लोग पतंग भी उड़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना नहीं उड़ाते हैं कोई तो, लेकिन यह है कि मनाया जाता है। और सब मैं आप सभी को रिकॉर्ड करके दिखाई हूँ। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक ये व्लॉग जाएगा तब थोड़ा लेट हो जाएगा, तो बने रहिए। एकदम मेरा बेटा है, सुबह पैंट नहीं पहन रहा था, बड़ी मुश्किल के बाद थोड़ी देर बाद जाके पहना था ये। तो मैं आई थी शॉर्ट वीडियो और रील्स बनाने, तो मेरा बन चुका है, शाम हो चुकी है, तब मैं नीचे जा रही हूँ। सुबह खिचड़ी बनी थी और इस टाइम बनेगा तहरी। तो इस टाइम तहरी बनेगा, तो हमारे मतलब मैं तहरी कैसे बनाती हूँ तो आप सभी पूरा देखिएगा, वॉच कर। आप सभी के घर क्या क्या बनता है मकर संक्रांति के दिन, क्या क्या पकवान बनते हैं? तो जो मेरे आसपास के लोग हैं तो यही सब बनता है, और जो दूर दूर से लोग देख रहे हैं उनके यहाँ कैसे मकर संक्रांति बनती है, उस दिन क्या क्या पकवान बनता है, कैसे मनाया जाता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ कैसे बनता है तो मैं आप सभी के साथ शेयर तो करूँगी ज़रूर, तो पूरा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए बने रहिए। और आज मैं बनाऊँगी तहरी, तो आप सभी ज़रूर देखिएगा। कितने लोग इसे तहरी, हमारे यहाँ तो तहरी कहते हैं, कितने लोग नमकीन चावल जो भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ यही कहते हैं। तो बने रहिए। अब मैं जा रही हूँ, सुबह ठंडी लग रही है, आज धूप भी नहीं निकली, इतनी सी भी धूप नहीं निकली सुबह से, ऐसे ही दर्शन ही नहीं हुआ भगवान जी का, और हवा बहुत सनसन चल रही है। तो आज मैंने ऐसा लुक क्रिएट करी हूँ, तो आप सभी को कैसा पसंद आया है कि नहीं बताइएगा। मम्मी जी ये सारा सामान इकट्ठा करके रख दी थी, तो आधा सामान बाबा को दिला गया था, एक बाबा आए थे तो आधा सामान बाकी है, तो फिर अगले दिन आएंगे तो बाबा उनको दे देंगे। तो ये नेक्स्ट डे है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए मम्मी जी बोली थी मलाई इकट्ठा हो गया तो आज घी निकाल देना, मैं बोली ठीक है। तो एक तरफ मैं घी निकाल रही हूँ और इधर सब्जी वगैरह मैं सारा काट के रख दी हूँ, ये देखिए आलू गोभी मटर। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, तहरी बना रही हूँ, जैसा कि मैं आप सभी को बताई थी, लेकिन मैं शाम को नहीं बना पाई क्योंकि मम्मी जी कह रही थी मन नहीं कर रहा है शाम को तहरी खाने का, तो सुबह ही बनाना। तो मैं बोली ठीक है, शाम को रोटी सब्जी बनी थी तो मैं शूट नहीं करी, तो मैं सोची चलो सुबह ही तहरी बनाऊँगी तो सुबह ही शूट करूँगी। तो सब्जी वगैरह मैंने सारा अच्छे से काट के धो के, तो एक तरफ मेरा गोभी भून रहा है, मतलब जिसमें मैं घी निकाली थी ना, तो उसी कढ़ाई में मैं
गोभी को भून दे रही हूँ। अब भूनने के बाद एक मैं मतलब कुकर में आलू मटर को भून देती हूँ ताकि जल्दी से फटाफट से बन जाए, क्योंकि मेरे देवर जी को लगी है भूख और डुग्गू को भी कह रहे मम्मी जल्दी बनाओ, क्या बना रही हो, देखने में अच्छा लग रहा है। मतलब किस्म किस्म के चीज़ें देखता है तो उसे भी खाने का मन करता है। तो सब्जी मैंने सारा भून के निकाल ली हूँ फ्राई करके हल्का सा। तो ये देखिए मैं सरसों का तेल ऐड कर दी हूँ उसमें, उसमें हल्का सा जीरा डाल दी हूँ। जीरा चटकने के बाद लहसुन हरी मिर्च ऐड कर दी हूँ, तो वो भी ब्राउन होने के बाद प्याज भी डाल के हल्का सा ब्राउन होने के बाद जो भी बेसिक मसाला होता है तो सारे मैं डाल के हल्का सा पका लेंगे। पकाने के बाद जो भी मैंने सब्जियाँ भुनी थी वो सारा डाल के अच्छे से एक दो मिनट अच्छे से पका लेंगे मिक्स करके। अब जो मैंने ये चावल देखिए पहले से ही धो के रख दी थी तो फूल रहा था, फूलने के बाद ये देखिए मैंने चावल ऐड कर दी हूँ। तो इधर मेरा देखिए चावल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक मिनट तक। मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि तहरी बना रहे हैं, खिला खिला होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैंने घी भी डाला था ताकि चिपके नहीं, खिला खिला रहे तहरी। तो सीटी लगने के लिए मैंने उधर इस साइड में रख दी और एक तरफ मैं बनाई थी। जब गोभी भून चुका था तो उसको भूनने के बाद मैं बना दी थी आलू मटर की सब्जी। तो ये मेरी आलू मटर की सब्जी बन चुका है तो मैं उतार के रख दी हूँ। तो इधर डुगू कह रहे थे मम्मी पापड़ बनाना है, इसे आटे वाला पापड़ कहता है। फिर मैं सबके लिए ये बना दी, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ चीला भी बोलते हैं। तो ये मैं सबके लिए बनाई तो बने। इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आप सभी को आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुँचे। तो अपना छोटे बड़े सभी से रिक्वेस्ट है, अपना प्यार आशीर्वाद दुलार ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। अब प्लीज़ फुल वॉच किया करिए, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। आप लोग पूरा वॉच नहीं करते हैं तो प्लीज़ किया करिए। और जो भी मतलब जो आप सभी को देखना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी। मैं यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकती, घर ही पे रहती हूँ, मैं बहू हूँ और गांव में रहती हूँ तो घूम फिर तो सकती नहीं है। तो प्लीज़ पूरा वॉच किया करिए। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।